नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज इस वीडियो में आप सबको सिखाने जा रहा हूँ कि कंप्यूटर में स्पीकर को कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे इसमें आवाज़ आता है। कि बहुत सारे लोग को मालूम होगा और बहुत सारे लोग होंगे इनको नहीं मालूम होगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो पूरे वीडियो के लास्ट तक बनिए, आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके लाइफ में काम आएगा। ठीक है दोस्तों, जब हम कंप्यूटर खरीदने जाते हैं ना तो दुकानदार हमको पूरा डिटेल बताते नहीं है, क्योंकि हम पूछते नहीं हैं। तो अगर एक कंप्यूटर खरीद के लेते आएंगे तो उसके साथ आपको आवाज़ नहीं आएगा उस कंप्यूटर के अंदर, तो आपको अलग से ना एक स्पीकर खरीदना पड़ता है जिसके माध्यम से आप वीडियो देख सके, जिससे आवाज़ आ जाए, ऑडियो से गाना सुन सके। मतलब इस तरीके से आपको स्पीकर खरीदना पड़ेगा। तो स्पीकर का प्राइस जो है 300 स्टार्ट होकर के 3000 रुपये तक आता है और अलग अलग क्वालिटी का है। तो हम दिखाते हैं कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे म्यूजिक सुनते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको हमें। हाँ, उसके बाद चैनल पहली बार आए हुए हैं कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जब भी कोई नया वीडियो बनेगा तो आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कंप्यूटर लेंगे ना, कभी कभी महंगे वाले मॉनिटर के अंदर इनबिल्ट स्पीकर दिया जाता है, इसी मॉनिटर के अंदर स्पीकर दिया जाता है और जिसके माध्यम से आप गाना सुन सकते हैं। लेकिन इस वाले मॉनिटर के अंदर जो है स्पीकर नहीं दिया इनबिल्ट, तो हमको अलग से स्पीकर लगाना पड़ेगा। तो स्पीकर कहाँ लगाते हैं, कैसे स्पीकर काम करता है, दिखाते हैं आपको हमें। तो देखिए, हम ये स्पीकर लेकर आए हुए हैं, तो ये मोटा मोटी 500 रुपये का है। कि आप जहाँ रहते होंगे आपके क्षेत्र के अंदर जो है किसी और कंपनी का होगा तो छोटा स्पीकर ले लीजिए, एक घर के अंदर एक रूम के अंदर सुनने के लिए सफिशेंट है। और तेज आपको सुनना है तो आप महंगा स्पीकर ले लीजिए। तो ये स्पीकर हम लेकर आए हुए हैं, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। हमारा जो स्पीकर है ये SS कंपनी का है और हो सके आप जहाँ रहते हो वहाँ ना मिलता हो, आपके यहाँ जेब्रॉनिक्स मिलता हो, आईबॉल मिलता हो, जो मिलता हो, ये कंप्यूटर स्पीकर है। तो हमने सिंपल तरीके से इसको देखिए ऐसे हम निकाल लेते हैं, ये स्पीकर निकाल लिए, ये है, और साथ में दो हमारे ये दिया हुआ, इस डब्बे को किनारे हम कर देते हैं। ठीक है, और ये रहा स्पीकर, ये देखिए थोड़ा अच्छा वाला है ये, क्योंकि इसके अंदर ना ब्लूटूथ भी दिया हुआ है। मान लीजिए मुझे कि इसको जो है मोबाइल से कनेक्ट करना है तो मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ भी है इसके अंदर है। और उसके अंदर जो छोटे छोटे ये स्पीकर दिए हुए हैं, ये देखिए दो स्पीकर है, एक बूफर टाइप हो गया, इसमें FM सुनना है FM भी सुन सकते हैं। तो आप पता कर लिए आपको FM वाला ब्लूटूथ वाला लेना है, तो वरना सिंपल तरीके स्पीकर ले कर सकते हैं। देखिए स्पीकर कनेक्ट करने के लिए ये दो तार दिए हुए हैं, देखिए दो तार दिए हुए हैं, एक दिया आपका मतलब ये USB है ये, और एक दिया हुआ 3.5 mm जैक आता है, ये स्टूडियो पिन कहते हैं इसको। इन दोनों को आपको इस कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में लगा करके आपके स्पीड अब मतलब और ज़्यादा स्पास सुनना चाहते हैं तो आपको लैपटॉप में लगा के दिखाएंगे, पहले हम कंप्यूटर में लगाते हैं। देखिए ये हमारा कंप्यूटर है, अभी हम कोई म्यूज़िक प्ले कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक म्यूज़िक है यहाँ पर लोडेड है, देखिए ये दिख रहा ना, ये म्यूज़िक है, ये म्यूज़िक ये फोल्डर है, इसको हम प्ले करते हैं ऐसे करके, इसके अंदर सारे म्यूज़िक किसी को हम प्ले कर देते हैं। और देखिए इसमें से कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, ये हम आगे पीछे कर कोई स्पीकर, क्योंकि आवाज़ स्पीकर लगा नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट कहाँ करते हैं, देखिए ध्यान से, ये है CPU, कोई भी CPU देखेंगे आप, है इसको ऐसे ले लीजिए, ये देखिए CPU है जी, और CPU कैसे मोड़ लेते हैं, एकदम पूरा मोड़ लेता हूँ। अब देखिए इस CPU के अंदर बहुत सारे जो है पोर्ट दिए हुए हैं, VGA लगा हुआ है, USB लगा हुआ है, और नीचे देखिए ये तीन आपको दिख रहे हैं, एक रेड कलर का दिख रहा है आपको, रेड है ये, उसके बगल में ग्रीन है ये, और उसके बगल में ये ब्लू है। तो ये जो दिया हुआ है ना, ये कहते हैं इसको माइक्रोफोन लगाने के लिए, मतलब माइक आपको लगाना है तो आप इसमें कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। और आप चाहते हैं कि स्पीकर लगाने के लिए तो ये लाइन आउट है, लाइन आउट में कनेक्ट करेंगे, ग्रीन कलर का होता है याद कर लीजिए, और ये होता है रियर इन होता है, मतलब कि इसमें आपको स्पीकर लगाते हैं, इन है ये, लाइन इन है ये। तो अभी मेनली हम दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमको ये दोनों कनेक्ट करना है इसमें आवाज़ लाने के लिए। तो देखिए एक तो USB वाला जो दिया हुआ ना, इसको हम कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, USB 1, 2, 3, 4 कहीं लिया हुआ, तो इसको हम कहीं भी लगा सकते हैं, बस देख के लगाना है कि सही लगा रहे हैं लगा रहे हैं। हमने देखिए USB पोर्ट में इसको ऐसे लगा दिया, अब इसी USB पोर्ट से स्पीकर को करंट मिलेगा, इसको जो है करंट मैसेज मिलेगा। हम क्या करते हैं, अब दोबारा इसको लगाना है, तो यहाँ पे हम देखिए सेटिंग दिया हुआ है इसके अंदर, और आपके स्पीकर में दिया होगा, तो बोला ब्लूटूथ पोर्ट पे है, इसको हम चेंज कर देते हैं FM mode. अब इसको हम लोग AUX मोड पे कर लिया हमने है। ठीक है, आपके जो स्पीकर लेंगे उसे डायरेक्टली AUX मोड पे होता हो। अब देखिए हमने स्पीकर गाना चला दिया, आप म्यूजिक चला दिया हुआ है, अब हम सिंपल से ग्रीन वाला दिया इसके अंदर यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, देखिए यहाँ लगा देते हैं, और उसके कुछ नहीं करना है यहाँ पे, देखिए ठीक है ना आपको। यहाँ से वॉल्यूम कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ये फ्री म्यूज़िक ऐसे प्ले कर रहा हूँ मैं, ये कर सकते हैं। उसके बाद आप दूसरा कोई म्यूज़िक प्ले करना चाहते हैं तो हम दूसरा म्यूज़िक प्ले कर देते हैं, देख रहे हो ना, ये कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं इधर आइए,
अगर आप चाहते हैं कि आप में यहाँ से नहीं करना चाहते हैं, वॉल्यूम कम ज़्यादा करना चाहते हैं, तो देखिए ये एक आप देखेंगे हर कंप्यूटर में यहाँ एक साइन बनाता है स्पीकर का, दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है साइन, दिख रहा है स्पीकर का, यहाँ से जो है इसको आप इस पर क्लिक करिए, स्पीकर के ऊपर देखिए, इस पर क्लिक करिए और इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए वहाँ भी वॉल्यूम दिया है। मान लीजिए यहाँ से आपने फुल कर दिया है, यहाँ से इसको भी कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं आप, दिख रहा ना। ये तरीके से आप अपने चीज़ों को यहाँ से कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको YouTube पे वीडियो देखना है, स्पीकर तभी ना, तो आप वीडियो आवाज़ सुन सकते हैं। अगर स्पीकर नहीं होता, सिर्फ आपको वीडियो दिखता, मान लीजिए मेरा ही चैनल आपको सर्च करना है, तो यहाँ मैं जाता हूँ गूगल क्रोम के ऊपर, गूगल क्रोम के अंदर और यहाँ क्लिक करिए और उसके बाद YouTube है, देखिए YouTube आ गया, YouTube पे हम क्लिक कर लेते हैं, सर्च कर रहा है हमारा ये जो कंप्यूटर है, ये इंटरनेट कनेक्टेड है ये, तो दिक्कत नहीं है, तो वेट कर लेते हैं, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि अगर मान लीजिए कोई आपको प्ले करना है, कोई यूट्यूब वीडियो प्ले करना है, सारी चीज़ें, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जोगिंदर, ये यूट्यूब खुल रहे हैं और यूट्यूब खुल जाएगा तो हमारा जो ब्लॉगिंग चैनल है ना, ब्लॉगिंग चैनल, उसके ऊपर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उस वीडियो को लगता है आप लोग देखते भी नहीं, इसलिए जो है वायरल नहीं, जोगिंदर ज्ञान को आप लोग सपोर्ट करते हैं तो वो चलता है, तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अगर और हाँ, इस स्पीकर को इसको निकाल के, इसको निकाल देंगे ना, अब आप कोई म्यूज़िक प्ले करेंगे, मान लीजिए कोई म्यूज़िक अब प्ले करेंगे, इसको निकाल दिया हमने तो प्ले करेंगे, तो फिर उसके बाद ये जो है प्ले नहीं होगा ये, ठीक है। तो उसी के माध्यम से दूसरा हम आपको दिखाते हैं, हमारे पास ये लैपटॉप है, लैपटॉप है और लैपटॉप पे भी, लैपटॉप में पहले से इनबिल्ट स्पीकर दिया रहता है इसके अंदर, लेकिन कितना आवाज़ होता है दिखाता आपको मैं, इसको हम ऑन कर लेते हैं और इसमें स्पीकर लगाने के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दिख रहा है ना आपको, इसको 3.5 mm जैक कहते हैं, ये दिया हुआ है और यहाँ लगाते हैं और उसके बाद उसको भी दिखाते हैं आपको हमें। तो हमारा यूट्यूब खुला नहीं खुला अभी, कभी कभी कंप्यूटर बहुत स्लो हो जाता है, ये चल रहा है ना। अब YouTube पे हमने जो है अपना चैनल खोल लेते, JOGENDRA, जोगेंदर SAHANI, ये खुल गया, हमारा चैनल खुल गया। अब मान लीजिए इसको हमको दिखाना आपको है, तो हम किसी वीडियो प्ले कर देते हैं, तो देखिए अब वीडियो के साथ में नहीं आ रहा ना, तो हमने यहाँ से वॉल्यूम कम किया हुआ, पीछे म्यूज़िक चल रहा है, इसको म्यूज़िक हम बंद कर देते हैं, ये पीछे वाला जो है दिख रहा नहीं, तो नदी अभी पानी कुछ दिन से बरस रहा है, इसके वजह से बाढ़ की स्थिति, मतलब कि थोड़ा पानी बढ़ गया है, पहले पानी कम रहता था, इसको आप यहाँ से आप पूरा आपको दिखाता हूँ, तो वीडियो तो आ रहा है यहाँ से, लेकिन ऑडियो कहाँ से आ रहा है, ऑडियो और स्पीकर से। अब जैसे हम लैपटॉप में हमको जो है आवाज़ सुनना, तेज़ से सुनना आवाज़ स्पीकर में हमको लगा के जो है, हम चाहते हैं कि तेज़ हमको लैपटॉप में सुनना है अगर है, तो कैसे सुन सकते हैं दिखाते हैं आपको हमें। जैसे ये लैपटॉप है ना, ये लैपटॉप में इसको हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ से USB निकाल देते हैं, ये निकाल करके यहाँ से हम इसको निकाल दिया हमने, और इसको ये USB वाला जो पोर्ट होता है इसको कहीं लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी USB पोर्ट में लगा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम यहाँ लगा दिए। अब देखिए हमने एक जो है यहाँ प्ले कर दिया एक म्यूज़िक, अभी दिखाता हूँ हम आपको एक म्यूज़िक हम प्ले कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए लैपटॉप में आवाज़ सुना रहा है आपको, तो वीडियो में दिखाइए आवाज़ है ये, और देखिए हमने कोई एक म्यूज़िक ऐसे प्ले कर लिया, दिख रहा है ना इतना आवाज़ है ये। आप चाहते हैं कि आपको जो आवाज़ मिले इससे तेज मिले, तो कैसे मिल सकता है, इधर लेकर आते हैं इसको, देखिए ये है ना, यहाँ इसको स्टूडियो कनेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हमने इसको यहाँ कर दिया, कनेक्ट कर दिया, मोड चेंज कर लेते हैं इसको हम, FM मोड, AUX मोड, देखिए कोई म्यूजिक प्ले कर रहा है तो लैपटॉप में स्पीकर कनेक्ट कर दिया हूँ, अब कर दिया तो पूरा आपको स्पीड मिलेगा, मतलब कि आवाज़ तगड़ा मिलेगा इसके अंदर है, ठीक है। अब ना इसको लगा के प्ले करते हैं तो मैक्सिमम इसका आवाज़ यही है, इसे सुन सकते हैं। तो अगर मूवी देखना आपको, हॉरर मूवी या रोमांटिक मूवी, तो अलग से स्पीकर कनेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आपको जो है ये क्वालिटी मिलेगा ये, ठीक है।
ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लैपटॉप हो गया ये आपका, और उसके बाद कंप्यूटर में ये हम स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं, कोई स्पीकर अगर हो। कोई कोई स्पीकर आता है कि जो ये यूएसबी दिया हुआ ना, वहाँ यूएसबी ना देकर के पावर वाला होता है, तो पावर वाला अगर है तो पावर बोर्ड में लगा दीजिए, और ये हमेशा ग्रीन वाले में लगेगा। स्टूडियो है 3.5 mm, तो इसमें आप आवाज़ सुन सकते हैं, क्लियर है। तो मुझे लगता है कि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था और आपको मैंने दिखा दिया कैसे कंप्यूटर में और लैपटॉप में स्पीकर कनेक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको पक्का इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा और आप भी स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, पीछे जो हमारा एक अपना यूट्यूब चैनल है जो जोगिंदर सानी नाम से चलता है, उसमें ब्लॉगिंग आते हैं, मतलब कि ब्लॉग चैनल में अपने दिनचर्या दिखाता रहता हूँ। तो चेक करना है तो जाकर जोगिंदर सानी सर्च करिएगा यूट्यूब के ऊपर, वो भी देख सकते हैं ये, ठीक है। तो वीडियो पसंद आपको आए प्लीज़ को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताए आपके लिए क्या अच्छे वीडियो हो सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए, दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो जानना चाहते हैं कि स्पीकर को कैसे कनेक्ट करते हैं। चलिए, आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों।